खरगोन जिले के सेगांव में कोरोना संक्रमण अब तेजी से गांव में भी पैर पसारने लगा है। वहीं गांव में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। इसी को लेकर प्रभारी तहसीलदार राकेश बर्डे ने आज विकास खंड की ग्राम पंचायत केली पहुंचकर हाट ठेलों पर लगी सब्जी व फल फ्रूट की दुकानों को बंद करवाया। लॉकडाउन का उल्लंघन करते जिन दुकानदारों ने दुकान खोल रखी थी उन दुकानों को सील करते हुए उनके विरुद्ध धारा 144 का उल्लंघन करने पर 188 की कार्यवाही की गई। करीबन 6 कटलरी और कपड़े की दुकानों को सील किया गया। इस दौरान रोड पर बगैर कारण घूम रहे लोगों को उठक बैठक भी प्रभारी तहसीलदार बर्डे ने लगवाई। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। सर आज केली में क्या कार्रवाई की गई सर? अभी पिछले कुछ दिनों केली में भी लगातार संक्रमण पेशेंट निकल रहे थे तो खबर मिल रही थी कि वहाँ पे सब्जी वाले ठेले और कुछ दुकानें भी खुल रही थी, उनको सील किया हमने। धारा 144 का उल्लंघन के तहत हमने 188 कार्रवाई करते हुए ऐसी छः दुकानें सील करी हमने। क्या नाम लिखते हैं? प्रभारी तहसीलदार राकेश बर्डे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।